आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, बिहार का नंबर वन डिजिटल चैनल। करने का डायरेक्शन दिया गया है तो पंचायती राज विभाग और पीएचईडी दोनों ही लोगों से अनुरोध किया गया है कि आप लोग सार्वजनिक कुओं की पहले सूची तैयार करवा दें। अगले एक सप्ताह 10 दिन में हम लोग का एफर्ट है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में कुएं हों और जहां से पानी पिया जा रहा उसको प्राथमिकता पर हम लोग उसको ठीक करवाएं। तो ये सूची अगर एक सप्ताह 10 दिन में हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। डायरेक्शंस दिए जा चुके हैं, पंचायती राज ने भी अनुरोध किया है अपने पंचायतों से कि वो भी अपना सूची बनाए और हम लोगों ने भी अपने कार्यपालक अभियंताओं से कहा है कि आप लोग भी स्थल सर्वेक्षण के आधार पर या आम जानकारी के आधार पर इन सार्वजनिक कुओं को चिन्हित करें। उसमें बारिश का पानी उसमें जमा करेंगे? हाँ, उसमें देखिए कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, कुछ जगहों पर हम लोग डेप्थ में जा सकेंगे, कुछ में हम लोग नहीं जा सकेंगे, वो डिपेंड करेगा ऑन केस टू केस बेसिस। उसका ज़्यादा बेहतर जवाब चीफ इंजीनियर साहब दे पाएंगे, लेकिन जो मरम्मती हो सकती है उसको हम लोग मरम्मती करके उसको फिर चालू करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, इस बार हम लोगों ने पहली बार जो आज तक हम लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने इस बार उसको शुरू किया था। अभी तक हम लोग शैलो ट्यूबवेल्स को कन्वर्ट नहीं कराते थे, लेकिन इस बार पहली बार हम लोगों ने शैलो ट्यूबवेल्स को भी कन्वर्ट कराया और इससे बहुत हद तक हम लोगों को नॉर्थ बिहार में जो समस्या हुई है उसको कंट्रोल करने में आसानी मिली। हम लोग करीब लगभग 1000 चापाकलों को नॉर्थ बिहार में शैलो ट्यूबवेल से स्पेशल ट्यूबवेल में कन्वर्ट किए। जो आपका शैलो ट्यूबवेल सामान्यतः 25 फीट तक समाप्त हो जाता है, आपका कन्वर्जन के बाद वो 35 से 40 फीट तक कार्यरत रहेगा। तो इसके चलते जो दरभंगा शहर में समस्या हुई, जो अगल बगल के गांव में जो समस्या हुई, हम लोग भी गए थे मुख्य सचिव महोदय के साथ दरभंगा में, जहां पर हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा कि ये जो कन्वर्जन हुआ है इससे कुछ समय तक तो बहुत आराम मिलेगा। 35 फीट के बियॉन्ड चला जाएगा तब वहां पर भी समस्या आएगी, लेकिन जब तक 35 फीट तक नहीं जाता तब तक ये कन्वर्जन से हो जाएगा। और इसके इस प्रयोग के फलाफल से अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इस वित्तीय वर्ष में हम लोग नॉर्थ बिहार के कई जिलों में अभियान स्वरूप शैलो ट्यूबवेल्स को पहले से ही कन्वर्ट कराकर रखेंगे ताकि अगले साल हम लोग को समस्या ना हो। हम लोगों ने जो रखा है, हम लोग लगभग 25,000 शैलो ट्यूबवेल्स को स्पेशल ट्यूबवेल में कन्वर्ट कराने की योजना तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये अब हर साल होने वाली समस्या है। आगे देता ही नहीं है, पीछे बढ़ के खत्म कर देता है। आपको मिला एक जानकारी चाहिए? एक ये दिवासरा आगे सुन, दूसरा आपका माननीय मुख्यमंत्री का डायरेक्शन था कि आप लोग राइज अप पाइप शीघ्र बढ़ाएं। इससे हम लोग ने जो 11,000 चापाकल ठीक किए थे उसका रिजल्ट ये रहा कि इस बार आपको जो समस्या जो हाहाकार होनी चाहिए थी वो काफी हद तक सॉल्व हो गया। हम ये नहीं कह रहे कि पूर्णता समाप्त हो गया, लेकिन काफी हद तक आप लोग क्षेत्र में जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम जहानाबाद का उदाहरण लेंगे, जहानाबाद ने बहुत फोकस तरीके से करीब 300 जगहों पर या 500 जगहों पर अपने राइजर पाइप्स को बढ़ाए, तो उसके चलते उन 300 अभी सामने जो हमारी समस्या है अभी सुखाड़ को लेकर, उसके लिए हम चर्चा करते हैं। ये भविष्य की भविष्य में तो हम कई योजनाओं लेकर आ रहे हैं, लेकिन आज जो समस्या थी उसका हम लोगों ने पैमाने पर काम किया है और अभी अब ये कहीं समस्या नहीं है, दुरुस्त हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं दिखाई देगी। आप लोग भी मुझे हमारे कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे या डायरेक्ट भी सूचित करेंगे तो त्वरित कार्रवाई होगी। विभाग पूरी तरह तैयार है और करने के लिए सक्षम है। अभी भी भूजल स्तर पर बहुत काम पहले हम लोग ये संज्ञान में नहीं आया था, लेकिन अब भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी जो हमारे सचिव महोदय ने बताया आपको, उसका यही कारण है कि कुआं का पोखरा पुराना है और फिर भी, और इसके लिए अलग योजनाएं बन रही है, उसको हम कभी विस्तार से बताएंगे, लेकिन भविष्य में हम बिहार में भूजल स्तर में कमी ना आए उसकी भी चिंता करेंगे। मिश्रा जी बैठ जाएंगे तो असल में पेयजल समस्या इवला गिरा दी अरविंद सर, इवला हम फोटो गिरा दिए।
सत्येंद्र श्रीवास्तव जी हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं पीएचडी के। और पीछे कीजिए, तो पेयजल समस्या के निदान के लिए सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर रखी है। दरअसल ये तो कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है, बिहार के कुछ इलाकों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जैसे नवादा है, गया है, कैमूर का कुछ इलाका है, इन इलाकों में स्वाभाविक था और इसके लिए विभाग पहले से तैयार भी रहती है। लेकिन पिछले वर्ष वर्षापात थोड़ी कम हुई, विभाग की चिंता बढ़ गई, सरकार की चिंता बढ़ गई और इस दृष्टि से हम लोगों ने अतिरिक्त प्रयास किए। पूरे बिहार में IMQ चापाकल जहाँ लगा हुआ है उसमें 15,000 10,094 चापाकलों के हमने राइजर पाइप बदलने का काम किया। राइजर पाइप थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 10,094 राइजर पाइप को बढ़ा दिया और चापाकल की मरम्मति तो हमारे लिए निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी हम सावधान थे कि इस बार वर्षा कम हुई है तो इसलिए 15,010 चापाकल की मरम्मति की गई। लेकिन जिस तरह वर्षा कम हुई तो हमारी चिंताएं बढ़ गई, तो हमने हर 15 दिन पर भूजल स्तर का रिपोर्ट लेना शुरू किया बिहार के विभिन्न भागों से, क्या भूजल का स्थिति है। उस पर हम लोग सावधान थे और वाचफुल थे, कुछ जिला में थोड़ी परेशानी लग रही थी, लेकिन इस वर्ष इस दृष्टि से कुछ नए इलाके सम्मिलित हो गए, जैसे दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली का कुछ इलाका, ये इलाके सम्मिलित हो गए जहां सामान्यतया ये परिस्थिति नहीं आती थी। तो लेकिन त्वरित भूजल स्तर का तो है, एवरेज हमारे पास है भी, लेकिन हम अलग अलग, हमारे पास एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन वो आप पूरे जिले की एक एवरेज हम लेते हैं, वहां लिया हर 15 दिन पर विभाग में आता है इसकी जानकारी कि उस जिले में इतना है और एक एक निश्चित है और कितना घटा 15 दिन में। कुछ जगहों तो हमको आश्चर्य हुआ, आपको आश्चर्य होगा कि दरभंगा में दिसंबर में जितना भूजल था एकाएक थोड़ा बढ़ गया बाद में। तब लोगों को समझ में नहीं आया कि मार्च में घटने की वजह बढ़ क्यों गया, क्योंकि गेहूं का खेती खत्म हो गया तो जो उनका सोर्स पानी लेने का उस ताकत से कहीं ना कहीं से ले लिए। हर 15 दिन पर हमारी ये भूजल स्तर की जानकारी विभाग को आती रहती है और हर जगह से आती रहती है, लेकिन ये आप पूरे जिला की एक्यूरेसी नहीं होती क्योंकि वो तो एक एवरेज होता है। तो यदि आप जानकारी चाहें तो हमारा विभाग कभी भी आपको दे देगा कि किस जिला के एवरेज जल स्तर क्या है। मंत्री जी, ये जो 25 जिले हैं हमारे, 20 जिले हैं सर, 20 जिले के 280 ब्लॉक जो है उसमें हमारा काम है, तो ये जो ज्यादातर काम है वो उन्हीं 20 जिलों के 280 को, जैसे आप कोसी का इलाका है वहां इस तरह के जल संकट नहीं होती, उन इलाकों में करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये जो 20 जिले हैं जिसे सुखाड़ घोषित किया गया था उसमें स्पेशल ये जो 10,094 हमने राइजर पाइप बदले, ये सब जो काम हमने किए हैं तो यही इलाके में और हर इलाके में हुआ है और इसीलिए वो हर जगह कहीं से जो खबर आती है एकाएक कहीं खबर हो सकती है, ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह हर जगह सारी सुविधाएं उपलब्ध है, एकाएक कहीं आ जाए। लेकिन हमारा विभाग इतना चौकन्ना है कि जो ही खबर आती है तो जिला स्तर से लेकर प्रदेश मुख्यालय स्तर तक तुरंत हम उसकी त्वरित व्यवस्था करते हैं। ये 20 नंबर है, इसके अतिरिक्त 12 घंटे 8 बजे मॉर्निंग से लेकर 8 बजे रात तक हमारा मुख्यालय का नियंत्रण कक्ष भी लगातार चलता रहता है कि कहीं से कोई कठिनाई आवे तो हम इसको तुरंत मुकाबला करें। और जब हमने हर घर नल से जल देने का निश्चय किया तो चापाकल के मामले में थोड़ी संख्या में कमी आई, लेकिन इस बार कम वर्षापात के कारण हम लोगों ने पिछले इस वर्ष जो बीता है, वर्ष जो चल रहा है वर्ष, 3,440 चापाकल नए हमने लगाया है। और क्योंकि अभी त्वरित
हमने 2000 जब लगा कि कहीं कहीं से खबरें आने लगी तो 2192 नए चापाकल स्वीकृत भी की है बिहार के विभिन्न जिलों में, कि कहीं अप्रत्याशित घटना नहीं हो, प्रशासन के संपर्क में रहे, आम लोगों के संपर्क में रहे और कहीं से कोई खबर आए तो ये विलम्ब न हो कि चापाकल नहीं है, इसलिए ये है, इसलिए हमने 2192 वो 3440 के अतिरिक्त इसकी स्वीकृति कर दी है कि जब कहीं जरूरत होगी तो इसके लिए हम लोग चापाकल धसाने का काम करेंगे। इसके अतिरिक्त 499 टैंकर हमारे चल रहे हैं जो जिला मुख्यालय में अलग अलग संख्या में है, जहाँ जैसी आवश्यकता हम लोगों ने महसूस की है उस हिसाब से चापाकल वहाँ टैंकर की व्यवस्था है। कहीं से खबर आती है तो टैंकर जाती है, कुछ ऐसे गांव हैं गया के जहाँ नियमित भेजना पड़ता है तो अनियमित जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने कार्यपालक अभियंता को ये निर्देश दिया कि आप विजिलेंट रहें, आप सावधान रहें, कहीं से कोई खबर आए आपके पास टैंकर नहीं है तो वो PVC का टैंक, यदि आपके पास टैंकर नहीं है तो टाटा 407 हो या ट्रैक्टर हो उस पर तुरंत भेजिए। और इस पर अब कार्रवाई हुई है और इसलिए राज्य में जैसी हम लोगों को जानकारी है तो जो थोड़ी बहुत परेशानी थी अब दूर हो गई है। जहां से खबर आ रही है मेरा विभाग पूरी तरह सावधान है। एक नई परिस्थिति इस बार इसलिए पैदा हो गई कि कुछ इलाके में जहां कभी यह परिस्थिति पैदा नहीं होती थी और उनके घरों का चापाकल सूख गया तो उनके लिए परेशानी का कारण था। दरभंगा मेरे जिले में भी एक दो गांव है, मैं बता सकता हूं, पंडोल ब्लॉक के सरसों पाली एक गांव जहां एकाएक सूख गया कुछ एक मोहल्ले में उनके घरों का छापा तो घबरा गए पूरी तरह कि अब क्या करेंगे क्योंकि ऐसी परिस्थिति उन्होंने देखी नहीं थी। तो लेकिन एक गनीमत थी कि जहां PHED का छापा कल था सार्वजनिक चौराहे पर वो चल रहा था क्योंकि वो ज्यादा गहरा था वो आए और उसके कारण वो चल रहा था। लेकिन एक लाइन लगाकर जाने की आदत तो थी नहीं तो थोड़ी परेशानी हुई, बार बार लोगों को लगा कि अब कैसे होगा, अब ठीक होगा कि नहीं। तो वहाँ से भी हमने व्हाट्सएप पर लोगों ने फोटो भेजा है कि लोग वहाँ लाइन लगा कर लिए, लेकिन कुछ परेशानी एक आध दिन हुई कि आदत तो थी नहीं, फिर वहाँ भी टैंकर गया लेकिन वहाँ टैंकर नहीं था इसलिए उसको PVC के इस पर लगा के वहाँ किया गया। और इस पिछले वर्ष की परिस्थिति को देखते हम लोगों ने नई चीज़ जो हम लोग आपको शायद जानकारी भी हो, कहीं हम तो इंसानों के पानी की व्यवस्था करते ही कहीं ऐसा ना हो कि मवेशियों के लिए दिक्कत हो जाए क्योंकि उनमें तो बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है तो उनको दिक्कत हो जाए। इसके लिए विभाग ने पहली बार एक कैटल टर्फ का निर्णय लिया पिछले वर्ष और इसमें हमने 190 स्थानों पर कैटल टर्फ बन दिया है मेरा, जहां मवेशी आकर यदि आवश्यकता होती है तो पानी पी सकते हैं। ये वो बीज और वो जिस इलाके में है तो लोग यदि चरवाहे लोग भी घूम रहे हैं भैंस या अपने कैटल को लेकर के उसका उपयोग करते हैं। कुछ जगह तो हमने और अतिरिक्त व्यवस्था भी की, वहाँ पर एक छोटा सा टैंक भी रख दिया कि चरवाहों को भी दिक्कत न हो ना, और यदि वो पानी धोना वगैरह भी चाहते हैं भैंस को तो उसकी भी दिक्कत ना हो, इसकी व्यवस्था की है। और 190 स्थानों पर हमारे एक कैटल टर्फ काम कर रहा है, 44 स्थानों पर प्रगति में है जो जल्द ही बन जाएगा, आगे से वो भी सावधान रहेगा। तो मुझे आप लोगों के बुलाने का यही था, अखबारों में खबरें आ रही थी, इस हिसाब से विभाग पूरी तरह मुस्तैद है और हम लोगों ने उसकी आवश्यक व्यवस्था की है और हम ईश्वर से मनाते हैं कि हमारा जिस समय मानसून आता है वो आ जाए तो ये एक आध महीने में। मंत्री जी एक चीज बताइए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।